नमस्कार ईश्वर इंडिया में आपनु स्वागत छे। मुजी जावे सैयद बे दिवस पहला व्याज कोरोना आता जेमा गृह मंत्री हर्षनवीर की दुदु के व्याज गुरु पर कड़क एक्शन लेवामा आवशे। त्यारे महत्वनी बाबत ए छे के वेजरपुर युवापुरा में एक किस्सो सामे आवे तो जेमा खास करीने एक व्याज कोर छे आरजू खान उर्फे शीतल जेना उघराण थी कंटाळी युवक आत्महत्या ना प्रयास कर्यो तो तेमने हाल सारवार हेठळ छे परंतु घर छे तेमना साथे सीधा वीडियो कॉल पर बात करीशु। मारो आवाज आवे छे आपने भाई? पहला तो हूँ आपनु नाम जानवा मांगीश। सदब उस्मान गनी। सदब भाई हाल आपनी तबियत केवी छे? तबियत मेरी अच्छी है, अभी दवाई चालू है। डॉक्टर ने फिर बुलाया मेरे को बुधवार के दिन और शनिचर के दिन। क्या हुआ था आपके साथ, थोड़ा शॉर्ट में बताइए पूरा केस क्या हुआ था। भाई मैंने दिसंबर के अंदर आरजू खान से पैसे लिए 5 लाख रुपए और 60,000 काट लिए, उसने मेरे को 4,40,000 रुपए दिए और हर महीने 60,000 रुपए नक्की करे उसने ब्याज के। तो मैंने उसको 2 महीने तक 60,000 रुपए भरे, फिर मेरे को जरूरत और पड़ी पैसे की तो मैंने उससे बात करी तो बोले मेरे पास पैसे नहीं है, पर मेहसाणा में मेरा एक दोस्त है जो पुलिस वाला है वो पैसे देता आएगा पर उसका ब्याज ज्यादा आएगा। तो मैंने कहा कितना ब्याज, तो बोले 5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए ब्याज लेगा। आपने ब्याज पे कितने पैसे उसने लिए आपने और आपने कितने चुकाए हैं? टोटल उसने मेरे को 10 लाख रुपए दिए, 2 लाख रुपए काट के 8 लाख रुपए मेरे को दिए और मैंने 8 लाख के अंदर उसको 4,65,000 ऑनलाइन मैंने सारा पेमेंट कराया उसको। सारे मेरे पास एविडेंस है, प्रूफ है। उसके बाद में इसका इतना त्रास मचा ने कि इसने दुकान पे आके भी हंगामा करा और दुकान भी मैंने आखिर में कंटाल के बंद कर दी और मेरे को चैलेंज करके गई कि मैं यहाँ पे दुकान तेरी सील करवा दूंगी और अधिकारियों को लेके आऊंगी और तूने अभी मेरी पहुंच देखी नहीं है। अभी आपने वीडियो बनाया उसके बाद कोई धमकी उसी कॉन्टेक्ट हुआ है आरजू खान से? घर पर भी आई, इसने मेरे घर पर आके भी बहुत टॉर्चर किया, घर वालों को भी बहुत टॉर्चर किया, परेशान किया। वहां तक के अपनी ईद का दिन था, ईद का टाइम था, इससे पहले घर आके और 20-25 दिन मेरे घर वाले भी मेरी बहन के वहां रहे और मेरी वाइफ मेरे ससुराल के वहां रहे और मेरे को आने। अभी आपने आत्महत्या का जब प्रयास किया उसके बाद आप हॉस्पिटल से घर, उसके बाद वो आपके घर पर आई आरजू खान? नहीं उसके बाद में नहीं आई मेरे घर पर। उसका फोन वगैरह कुछ आया? उसका फोन मेरे को अभी नहीं आया। इससे पहले फोन पे धमकी वगैरह? फोन पे बहुत सारी धमकी है और वो जैसे व्हाट्सएप पे उसने वॉइस मैसेज भी छोड़ेंगे। तेरी तारीख पे तारीख मैंने सब तेरी तारीखें देख ली। अब तूने 10 तारीख बोला था, फिर 13 तारीख लास्ट बोला, तेरे बच्चे की तू 2 बार कसम झूठी कर चुका बराबर। अब तुझे ये मेरे पैसे सच बोल दे, कल तक ये मेरे पैसे मेरे हाथ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, या तुरी ऐसी बैंड बजाऊंगी ना कि तेरे महल्ले में ही खड़ी हूँ मैं अभी, तुम यहाँ चिल्ला चिल्ला के अभी पूरा महल्ला इकट्ठा कर दूंगी देख ले। इसलिए मुझे हैरान मत कर, अभी ताला तोड़ने में जा रही हूँ, तेरे घर का अभी घर में ही घुस रही हूँ, सोच ले तू। तू अब यूँ सोच रहा हो कि मेरे घर वाली को मैंने भगा दिया कि मेरे ससुराल वालों को भगा दिया, मैं वहाँ भी हंगामा कर सकती हूँ जाके, मुझे बड़ोड़ा वाला घर भी पता है, तेरी ससुराल भी मुझे पता है, मुझे ऐसा नहीं है कि कुछ पता नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। मगर मैं तेरी वजह से कि चल भाई अपने को इज्जत दे रहा है, इज्जत से बात कर रहा है, मगर तेरी बात तेरी खोपड़ी के अंदर समझ नहीं आ रही। अब तेरे को ये मेरे को सावधानी से दे देना है कि नहीं दे देना है, मेरे पास हर एक रिकॉर्डिंग, हर एक बात, हर एक सबूत, मेरे पास सब कुछ है। तूने मेरे को हर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कितनी तूने तारीख दी है मुझे। अब तुझे ये मेरे पैसे पैसे दे देना है सराफत से कि नहीं दे देना है, या मैं तेरे वहाँ पे भी जाके बढ़िया तेरी इज्जत उतारूँ और वहाँ जाके भी तेरी इज्जत रहे, अहमदाबाद में तुझे रहने लायक नहीं छोड़ूंगी और तू सोचे कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ अहमदाबाद, तो तू अहमदाबाद से भाग जा के लंदन में छुप जा, तेरे जहाँ छुपना वहाँ छुप जा, वहाँ से तेरे धरती में से गड्ढा खोद के निकाल लाऊंगी मैं। तू मेरे पैसे खा नहीं सकता, समझ में आया? मुझे जल्दी बोल, भेजा गरम मत कर, मैं यहाँ पर अभी महल्ले में इतना चिल्लाऊंगी ना कि तूने सोचा भी नहीं होगा, अभी मकान मालिक को बुला के अभी तेरे को फोन करवाऊंगी कि मेरा घर बंद था। तो बोले मैं आज तू अगर नहीं आया, रविवार का दिन था उस दिन, तो बोले मैं तेरा ताला तोड़ के घर में घुस जाऊंगी और मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसी सारी धमकी आएगी। और अभी आपने पुलिस को एप्लीकेशन दी, अर्जी दी है, आप क्या मांग करते हो और आपने क्यों ये पगला लिया? मैंने अर्जी दी पुलिस स्टेशन के अंदर,
जो हेजलपुर पुलिस स्टेशन है, जोन 7 डीसीपी में, कमिश्नर में और गृह मंत्री हर संघवी साहब को भी। लेकिन अर्जी का कोई निकाल नहीं आया, मेरी अर्जी के लिए नहीं बुलाया, लेकिन इसने जो अर्जी की थी उसकी अर्जी में मेरे को 2 बार पुलिस स्टेशन बुलाया, पठान साहिब PSI वेदलपुर में, उन्होंने मेरे से बातचीत की, जवाब लिखा, उन्होंने भी समझाया उसको कि भाई तू उसको टाइम दे, ये खुद हैरान परेशान है, इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो टाइम देने का मना कर रही है। वो बोलती है कि मैं 10 लाख रुपए लूंगी पूरा, और अगर इसको नहीं देना तो बोले मैं 18 लाख रुपए ब्याज के संगत लूंगी। लेकिन वो कोई बोले इससे मेरे से एग्रीमेंट भी जबरदस्ती करवाया है और मेरे से 11 चेक भी लिए इतने, और आखिर में मेरे को कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। तो मैंने मेरी फैमिली का भी नहीं सोचा और किसी का नहीं सोचा, मैंने आत्महत्या करने का प्रयास किया। तो अल्लाह ने इसकी दुआ से मेरे को सलामत रखा और अच्छा इससे, यानी कि मैं समझो कि बच के आया, बाकी मैं आज भी जीना तो नहीं चाहता। इसने मेरी चारों जगह रेपुटेशन, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, आप ऐसा मतलब छोटे चंद पैसों भाई मैं व्यापारी लाइन का आदमी हूँ, मेरे इसने बाजार के अंदर भी फ्रूट मार्केट में भी आप ले ली, और इसने और मेरे पर इल्जाम भी लगाए जैसे हनी ट्रैप का लगाया, और बोले मेरे इसके 8-10 साल से संबंध ऐसा, हालांकि कुछ भी नहीं है, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। और दूसरा एक बड़ोड़ा के अंदर है कमालुद्दीन सैयद, उनके पैसे भी है मेरे पे, और उनको भी मैंने कम से कम 20-25 लाख रुपए ब्याज भर दिया है, और वो भी मेरे को भी फोन पे डरा रहे, धमका रहे, पुलिस अधिकारी में वो, और मेरे घर वालों को भी, मैं जब फोन नहीं उठाया तो मेरे घर वालों को भी फोन करके उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को उठाने की ताकत रखता हूँ और सबको जेल के सलीके के पीछे जाना पड़ेगा। आखिरी सवाल मैं करता हूँ, हर संघवी ने भी ऐसा बोला है कि ब्याज करो पे कड़क कार्यवाही, आप क्या आपकी मांग क्या है? बस मेरी मांग यही है कि ऐसी हालत में कोई भी इंसान जब शौक होता नहीं ब्याज से पैसे लेने का, बाकी अगर किसी ने ले लिया और फंस गया तो उसको फौरन गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिलनी चाहिए और ऐसी मदद और ऐसी सहाय देनी चाहिए कि उसका माइंड फ्रेश हो जावे, क्योंकि आज अगर मैं मर जाता तो मेरी फैमिली तो रखड़ जाती। ऐसे कई वाकयात हो चुके हमारे जुआपुरा, अहमदाबाद और गुजरात के अंदर कि मरने के बाद भी इंसान का कोई रास्ता निकलता नहीं, ब्याज वाले फिर उनको घर के घर वालों को भी परेशान कर देंगे। तो मेरी यही प्रार्थना है कि गृह मंत्री हर संघवी साहब से कि अभी जो गुजरात के अंदर सूरत में भी चल रही आएगा और काफी जगह पे ब्याज वालों को लेके चल रही आएगा, तो मेरी जल्द से जल्द ये रिक्वेस्ट है कि मेरी FIR लेवे और ये आरजुगान पठान उर्फ राजपूत, उसका सीधा उर्फ राजपूत, यानी कि वो पहले एक हिंदू थी और फिर उसके बाद में मुसलमान बनी, और उसके बाद में उसने काफी लोगों से फ्रॉड भी कर रही है और गुजराती लोगों को भी लूट रही है वो, अरे चारों तरफ से उसकी अय्याशी का इतना अंत देगा नहीं कि उसकी जाल में कोई भी फंस जाता है, लेकिन अपने उसकी जाल में नहीं आए, तो आखिर में उसने अपने को पैसे देके और धंधे के अंदर करके ने मेरे को चारों तरफ से ने ऐसा परेशान और ठगाने की धमकी दी व्हाट्सएप पे। तो मैं आपसे वापस संपर्क करूंगा, बात यही बात इतनी चाहिए कि खास हाल हर संघवी द्वारा जो बात करवामां आवी छे, महत्वनी आवी छे कि राजखोरो सामे कड़क कायदेसर ने कार्यवाही करवा, परंतु आपना सामे छे जे पीड़ित पोताने व्यथा दर्शावी પોતે રડી રહ્યા છે અને કહી રહ્યા છે કે તેઓ ન્યાયની માંગણી કરી રહ્યા છે, આરજુ ખાન જેવી કેટલી અમદાવાદ શહેરમાં વ્યાજખોરો બેફામ બની છે, તેમના સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે।